नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्चस्व इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के यूट्यूब चैनल पे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रोड साइनेज। रोड साइनेज जनरली सभी यूज़र्स को, रोड यूज़र्स पे जो चलते हैं, रोड पे चलते हैं, उन्हें सबको पता है कि जितने भी साइन बोर्ड्स होते हैं बेसिकली वही हमारे रोड साइनेज हैं। लेकिन एज अ हाईवे इंजीनियर ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। एक सिविल इंजीनियर, हाईवे इंजीनियर को ये पता होना चाहिए कि रोड साइनेज क्या होता है, उसका प्रॉपर डायमेंशन, उसके बैकग्राउंड कलर कॉम्बिनेशंस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ रोड, जैसे कि एक्सप्रेस वे पे क्या साइनेज लगने चाहिए, नेशनल हाईवे पे क्या साइनेज लगने चाहिए, इसी तरह अदर क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स पे क्या साइनेज लगने चाहिए। तीसरा, उसके मटेरियल कौन सा होना चाहिए जिस पे हमारा साइनेज, जैसे कि हमारे जिस पोल पे खड़ा हो रहा है उसके डायमेंशंस, साइनेज पे जो हम अल्फाबेट्स लिखते हैं उसके डायमेंशंस, ये सब कुछ एक हाईवे इंजीनियर को पता होना चाहिए। तो क्योंकि ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, हम इसको अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे और मैं कोशिश करूँगा इसे एक सिंपल और शॉर्ट वीडियोस में हर टॉपिक को आपको समझाने की। आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे एक बेसिक नॉलेज ऑफ रोड साइनेज, और दूसरी चीज़ हम बात करेंगे इसकी साइटिंग और ओरिएंटेशन के बारे में। साइटिंग एंड ओरिएंटेशन, बाकी के जितने भी इसके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करेंगे कवर करने की। तो रोड साइनेज बेसिकली हमारा, रोड साइनेज का किसी भी हाईवे पे या स्मॉल रोड्स, अर्बन रोड्स, नॉन अर्बन रोड्स, कैसी भी रोड्स हो, उस पे रोड साइनेज का पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस पहला पर्पस होता है रोड की सेफ्टी, और दूसरा पर्पस होता है कि रोड की एफिशिएंसी। हमने अपना हाईवे जिस भी डिज़ाइन स्पीड के लिए, मतलब हमने जिस भी स्पीड पे डिज़ाइन किया है हमारा उस स्पीड पे चले, तो उसके लिए रोड साइनेज बहुत ज़रूरी है लगाने, क्योंकि ये यूज़र्स को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, वार्निंग देते हैं। तो ये हमें इसका जो क्लासिफिकेशन है रोड साइनेज का, बेसिकली तीन पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन, सबसे पहला होता है हमारा मैंडेटरी साइंस, मैंडेटरी या फिर रेगुलेटरी साइंस। दूसरा हमारा होता है इंफॉर्मेटरी साइंस, और तीसरा हमारा होता है कॉशनरी या फिर वार्निंग साइंस, या फिर वार्निंग साइंस। अब जैसे कि मैंडेटरी साइंस, जैसे कि हमारे मैंडेटरी साइंस हैं, इसके जैसे कि एग्जांपल हो गया आपके स्टॉप साइन, या फिर कोई भी प्रोहिबिटरी साइन, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, बुलक कार्ट्स मतलब कोई भी गाड़ी अलाउड नहीं है, इसके जो साइंस होते हैं। मैंडेटरी साइंस जनरली हमारे सर्कुलर शेप में होते हैं, कॉशनरी और वार्निंग साइंस ट्रायंगुलर शेप्स, और जो हमारे इंफॉर्मेटरी साइंस होते हैं ये होते हैं रेक्टेंगुलर शेप्स। अब ये क्या है, तीनों क्लासिफिकेशन अपने आप में काफ़ी बड़े हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियोस में एक एक क्लासिफिकेशन को समझाने की कोशिश करूंगा, और अलग अलग साइंस, उनके बैकग्राउंड के कलर कॉम्बिनेशंस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ रोड बताऊंगा, ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं साइटिंग और ओरिएंटेशन के बारे में, केवल कि हमारा साइटिंग और ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए। साइटिंग का मतलब कि हमारा कोई भी हाईवे है उस पर हमारा साइनेज का जो बोर्ड है वो कहाँ पर लगना चाहिए। अब मान लीजिए ये हमारा कैरिज वे है, ये हमारा एक कैरिज वे, मान लीजिए ये कैरिज वे की एज हो गई हमारी। तो सबसे पहली चीज कि हमें अपने जितने भी साइनेज के बोर्ड्स हैं हाईवे पे इस अकॉर्डिंग लगाने चाहिए कि वो रोड यूजर्स को इजीली विजिबल हों और इन टाइम विजिबल हों, मतलब उन्हें इतने टाइम में दिख जाए कि वो उस प्रॉपर साइनेज से जो भी वो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है साइनेज वो उसे कवर कर सकें। तो इंडिया में मोस्टली जितने भी सभी जगह पे राइट साइड ड्राइविंग सीट होती है, तो उसमें क्या होता है जब भी आप कैरिज वे पे चलेंगे तो राइट साइड की आपकी ड्राइविंग सीट है, इसीलिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखी जाती है कि इंडिया में जितने भी रोड साइंस हैं वो लेफ्ट साइड ऑफ द कैरिज वे पे लगाए जाएं, लेफ्ट साइड ऑफ कैरिज वे, ताकि सामने से आने वाले ट्रैफिक से वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो सके, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारी ये कि
कि हमारा जितने भी साइनेज बोर्ड हैं, जैसे ये हमारी एज है मान लीजिए कैरिज वे की, तो हम जो साइनेज बोर्ड यहाँ पर मान लीजिए ये एक साइनेज बोर्ड लगा हुआ है, ये जो साइनेज बोर्ड है ये हमारे कैरिज वे की एज से, इसका जो एक्सट्रीम एज है वो एटलीस्ट 600 mm टू 3 meters अपार्ट, इतने दूर होना चाहिए पहली चीज। दूसरी चीज, जो हमारा साइनेज बोर्ड का बॉटम है, बॉटम एज ऑफ साइनेज बोर्ड वो हमारे क्राउन ऑफ द पेवमेंट से एटलीस्ट 2.1 मीटर टू 2.5 मीटर होना चाहिए, ताकि जो भी ये तो मैंने आपको बताया नॉन शोल्डर एरिया में, अगर यहाँ पे आप मान लीजिए हमारे विद कर्ब रोड है, ताकि पेडेस्ट्रियंस के लिए भी वो एक ऑब्स्टेकल ना बन सके। तीसरी चीज़, अब मान लीजिए किसी हाईवे पे आपको एक ही सेक्शन ऑफ द रोड में, मान लीजिए 1 किलोमीटर या 100 मीटर में आपको 5-6 बोर्ड लगाने हैं कहीं पे, यानी कि एक ही जगह पे काफ़ी सारे बोर्ड लगने हैं, तो उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि बोर्ड इस तरीके से लगें कि एक बोर्ड दूसरे बोर्ड को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा हो। दूसरी चीज़, एक फॉर्मूला ध्यान उसमें रखिएगा कि जो भी आपकी डिज़ाइन स्पीड है हाईवे की, उसमें 0.6 ऑफ वी इन मीटर्स, वी तो हमारी स्पीड हो गई जो भी डिज़ाइन स्पीड है, तो जितने भी मीटर्स आएगा कोशिश कीजिए इतने मीटर्स अपार्ट पे आप ये साइनेज बोर्ड को लगाएं। ये तो हो गए हमारे ग्राउंड माउंटेड साइंस। एक होते हैं हमारे गैंट्री साइंस, ओवरहेड साइंस। तो ओवरहेड साइंस में क्या है कि जो भी ओवरहेड साइंस हमारे कैरिज वे पे लगे, जैसे कि ये कैरिज वे और ये जो ओवरहेड साइंस इस पे लगे, ओवरहेड साइन की बॉटम एज, ये ओवरहेड साइन है तो इसकी बॉटम एज हमारे पेवमेंट से मिनिमम 5.5 मीटर तो रहनी ही चाहिए। इससे मैक्सिमम हो सक, इससे ऊपर हो सकती है, इससे नीचे कभी नहीं होनी चाहिए। तो ये है हमारी बेसिक एक नॉलेज रोड साइनेज की। बाकी जो भी, अच्छा हाँ एक चीज़ और, आपको ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए हमारे ये जितने भी साइनेज बोर्ड हैं उसका ओरिएंटेशन हमेशा यही कोशिश की जाती है कि जो भी हमारी सेंटर लाइन आ रही है उसके परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन रखा जाए। लेकिन कई जगह पे जैसे कर्व्स पे या फिर जहाँ पे ग्रेडियंट चेंज होता है वहाँ पे इसे हॉरिजॉन्टल टिल्ट या फिर वर्टिकल टिल्ट आगे पीछे या फिर साइडवेज उसको आप रोटेट करके लगा सकते हैं इस वे में, ताकि जो भी रोड यूजर्स आ रहे हैं उनको विजिबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा रोड साइनेज की एक बेसिक नॉलेज और साइटिंग और ओरिएंटेशन का। इसके जितने भी मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन के टॉपिक्स बताए या फिर जो इसके डायमेंशंस हैं, इस साइनेज के डायमेंशंस, इसके अल्फाबेट्स जो होंगे उसके डायमेंशंस, इनका कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा और किस क्लासिफिकेशन ऑफ रोड पे कौन सा साइन बोर्ड लगेगा, ये मैं कोशिश करूंगा आगे की वीडियोस में बताने की और शॉर्ट में बताने की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई कमेंट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में उसको बताने की। थैंक यू।